गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू ऑल इन दिस 10th क्लास लाइव सेशन. सभी को नमस्ते, राधे राधे. आज की डेट है 6/4/2021 और पूरा एक महीना आपके इंग्लिश के पेपर को रह गया. इसलिए अब आप सभी सब्जेक्ट्स अपने 20 अप्रैल तक फाइनल टच दे दीजिए. उसमें कोई भी कमी हो अपने टीचर से कंसल्ट करिए. आज की शीट आप सभी को व्हाट्सएप हो चुकी है. आज की शीट में 6 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. 6 के 6 क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं. आज का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ. जो एपी है माइनस का 7, माइनस 13/2 और माइनस का 6 और माइनस के 11/2 .. और सम दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर. जो सम दिया हुआ है वो क्वेश्चन में माइनस का 45 दिया हुआ है. अगर मैं इस एपी में ए निकालूं तो माइनस 7 आएगा और डी निकालने के लिए मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूंगा. तो ये मेरे पास हो गया माइनस 13/2 और माइनस माइनस प्लस का 7. अगर मैं इसका एलसीएम लो तो माइनस 13 + 14/2 यानी कि 1/2. चेक कर लीजिए कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही. माइनस 13/2 माइनस माइनस 7 प्लस हो गया 14 + 1/2. बिल्कुल ठीक, ए की वैल्यू माइनस 7 हो गई. अब क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स, इस एपी में कितनी टर्म आएंगी. सम दिया हुआ है माइनस का 45 और फिर उसने एक स्पेशल आंसर कहा कि एक्सप्लेन द डबल आंसर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं. एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. एस एन की जगह लिखते हैं माइनस का 45. एन बाई टू, ए की जगह लिखते हैं माइनस का 7. एन फिर से मालूम नहीं है और डी की वैल्यू लिखते हैं 1/2. ठीक है, ये देखिए डी का आंसर आपके पास आया था प्लस का 1/2. इस 2 को अभी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. पहले एक बार आगे और चलते हैं. तो ये हो गया माइनस का 14 और प्लस का n बाई टू और माइनस का 1/2. चलिए इनका सॉल्व करके एलसीएम ले लें तो ये आएगा माइनस का 28 प्लस का n माइनस का 1 और पूरे के नीचे 2. 2 × 4 माइनस 45 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया. यहां n बच गया माइनस का 29 प्लस का n. देख लो भाई कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही. माइनस का 14 और n बाय 2 और माइनस के कितना 1/2. एलसीएम लिया 28 और ये n और ये 1 क्योंकि तीनों का एलसीएम 2 है. 2 × 4 क्रॉस में चला गया. ये हो गया 4 × 5 = 20 180 माइनस का और ये हो गया माइनस का 29 n और प्लस का n स्क्वायर. तो इसको भी इधर ले आते हैं. n स्क्वायर माइनस का 29 n और प्लस का 180. जीरो किधर भी लिख दीजिए, चाहे उधर लिख दीजिए चाहे इधर लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब आपको ऐसे नंबर छांटने हैं जिनको प्लस करके 29 आए और मल्टीप्लाई करके 180 आए. बड़े आसान से फैक्टर हैं इसके. तो बाहर माइनस का साइन है तो ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं 20n + 9n और प्लस का 180 और इक्वल 0. ये देखिए 20 में 9 प्लस करेंगे तो 29 आ जाएगा. अब अंदर के साइन क्या हो गए, चेंज हो गए. प्लस का 180 इक्वल 0. n कॉमन ले लीजिए, माइनस का 9 कॉमन ले लीजिए, अंदर का साइन चेंज हो गया. एक ब्रैकेट में n माइनस 20 और एक ब्रैकेट में n माइनस 9. इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रखेंगे तो आपके दो आंसर आएंगे, एक 20 और एक 9. बताइए. ठीक है, तो इस एपी के अंदर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 20 टर्म आए तो उसका टोटल भी माइनस 45 है और अगर 9 टर्म आए तो उसका टोटल भी कितना है, 20 है, सॉरी माइनस का 45 है. तो ऐसा कैसे पॉसिबल है. तो हम लोग यहां इस आंसर को एक्सप्लेन करेंगे कि इस एपी में 20 टर्म भी हो सकती है और 9 टर्म भी हो सकती है. तो क्या लिखेंगे, देयरफोर सम ऑफ 20 टर्म्स
इक्वल सम ऑफ 9 टर्म्स, इक्वल दोनों का आंसर आएगा माइनस का 45। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ, इट मींस द सम फ्रॉम 10th टर्म टू 11th टर्म इज जीरो, बिकॉज द 10th टर्म सम फ्रॉम 10th टर्म टू 11th टर्म नहीं, क्या आएगा 20th टर्म, 20th टर्म इज जीरो बिकॉज आउट ऑफ 10 टू 20 टर्म्स सम आर पॉजिटिव एंड सम आर, बोलो क्या, नेगेटिव। समझिए इस बात को, देखिए अगर 9 टर्म का सम आपका क्वेश्चन में माइनस का 45 है, तो इसका मतलब जो 10वें नंबर से टर्म शुरू होंगी और 20वें नंबर तक जाएंगी, उनमें कुछ टर्म ऐसी आएंगी जो नेगेटिव होंगी और वही टर्म पॉजिटिव होंगी, तो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म सारी की सारी आपस में कट जाएंगी, उनकी संख्या तो बढ़ जाएगी पूरी एपी में, लेकिन उनके टोटल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सब टर्म जब आपस में कट जाएंगी तो उनका टर्म जीरो, सम जीरो हो जाएगा, तो 9 टर्म का टोटल भी माइनस 45, 20 टर्म का सम भी माइनस का 45। 9 टर्म के बाद जब से 11वें नंबर की टर्म शुरू होगी और 20वें नंबर तक की टर्म में सबका टोटल आपस में कट के जीरो हो जाएगा, टर्म तो बढ़ गई लेकिन टर्म जो नेगेटिव बढ़ी वही पॉजिटिव बढ़ी, ठीक है, तो उसका टोटल जीरो हो जाएगा और वैसे भी 9 का और 20 का टर्म सम आपके पास माइनस का 45 ही रहेगा। तो आंसर को एक्सप्लेन भी कर दिया और आंसर भी निकाल लिया, एन का आंसर आया 20 और 9। चलिए आज की शीट के सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है रेशियो निकालना है ज्वाइनिंग दिस एंड दिस एंड डिवाइडेड बाय द लाइन, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका नाम लिखते हैं, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है आपके 7 चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इस रेशियो को थोड़ी देर के लिए के रेशियो 1 मान लेते हैं, जो हमारे लिए m1 रेशियो m2 का काम करेगा। a के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 और 3 और b के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 और 7 और p के कोऑर्डिनेट को हम लोग थोड़ी देर के लिए x और y मान लेते हैं, ठीक। इसके नीचे लिखते हैं x1 y1 और इसके नीचे लिखते हैं x2 y2 और रेशो हमने k रेशो 1 लेट कर ही लिया, तो यहां लिख देते हैं लेट रिक्वायर्ड रेशो, क्या ले लें, k रेशो 1 जिसका नाम है m1 रेशो m2, लिखते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए इस पॉइंट से ना एक लाइन पास होकर जा रही है, ये देखिए ये लाइन इस पॉइंट से पास होकर जा रही है और इस लाइन की इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, 3x प्लस 4y माइनस का 9 इक्वल 0 और इस इक्वेशन के ऊपर ये P पॉइंट लाइज कर रहा है और P के कोऑर्डिनेट क्या है, X और Y। तो पहले हम X और Y का आंसर निकालते हैं और फिर इस इक्वेशन में उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो जिससे हमारे पास K का आंसर आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले X का फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला है M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। चलो भाई वैल्यू पुट करते हैं, K मल्टीप्लाई X2 की वैल्यू डायग्राम में नजर आ रही है 2, 1 मल्टीप्लाई के M2 का आंसर है 1 और X1 की वैल्यू है 1। चलो भाई नीचे क्या आ गया, K प्लस 1, जरा सॉल्व करते हैं क्या आएगा, 2K प्लस 1 अपॉन K प्लस 1, चेक कर लीजिए, K मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। चलिए अब Y का फॉर्मूला लगाते हैं, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। वैल्यू पुट करो भाई, M1 की जगह क्या लिखेंगे, K मल्टीप्लाई 7 प्लस और 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन K प्लस 1, ये कितना आ गया, 7K प्लस 3 अपॉन K प्लस 1। चलिए अब क्या लिखेंगे, सिंस पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है X एंड Y लाइज ऑन इक्वेशन, कौन सी, 3x प्लस
4y माइनस 9 इक्वल 0। ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y हैं, ये इस इक्वेशन के ऊपर लाइज करते हैं, और जब भी कोई पॉइंट किसी इक्वेशन के ऊपर लाइज करता है तो 100% वो उसको सेटिस्फाइड कराएगा। तो देखिए कैसे सेटिस्फाइड कराएगा, लिख देंगे यहां पर सो 3 x की जगह लिखते हैं 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 4, y की जगह लिखते हैं 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस का 9 और इक्वल 0। ये देखिए ठीक है, इन तीनों का धीरे धीरे एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे 1 लगाकर तीनों का एलसीएम आ गया k प्लस 1। चलिए 3 2 जा 6 k प्लस का 3, 4 7 जा 28 k प्लस का 12 माइनस का 9 ब्रैकेट में k प्लस 1। ये देखिए ध्यान से, कोई जल्दी नहीं, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, k प्लस 1 दोनों का एलसीएम था 9 की k प्लस 1 से। अब ये जो नीचे वाला k प्लस 1 है 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6k में 28k अगर प्लस करें तो ये हमारे पास आता है 34k, और 12 में 3 प्लस करें तो प्लस का 15। इस माइनस 9 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, साइन भी चेंज हो जाएंगे, और k प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी। अब 34 में से क्या माइनस कर दें, 9 को माइनस कर दें तो ये बच गया 25k, और 15 में से अगर 9 माइनस करें तो क्या बचा, प्लस का 6, और इक्वल क्या 0। ध्यान से देखिए आपका रेशो माइनस में आने वाला है, देखते हैं क्या चक्कर हो रहा है, 25k इक्वल माइनस का 6, k की वैल्यू हो गई माइनस 6 अपॉन 25, तो k का आंसर आ गया माइनस में आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, कोऑर्डिनेट थे 1 और 3 और 2 और 7 ठीक है, और 3x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल 0। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 यानी कि k मल्टीप्लाई 7 और 1 मल्टीप्लाई 3, 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, x की वैल्यू पुट करी 2k प्लस 1 और ये 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस का 9 इक्वल 0, यहाँ 3 या 4, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12 माइनस का 9 ब्रैकेट में k प्लस 1 माइनस के 3 25 आ गया, ये तो 12 और 3 15, 15 में से 9 गए प्लस का 6, ठीक चल रहा है बिल्कुल। और अब हमारा आंसर माइनस में आया तो क्या लिखेंगे, सो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड रेशो, बोर्ड के एग्जाम में आया, बच्चे गलत कराए कि k की वैल्यू तो माइनस हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है, क्या लिखेंगे k रेशो 1। अब क्या लिखेंगे, माइनस 6 अपॉन 25 रेशो 1, आंसर लिखेंगे 6 रेशो 25। ये शंकरवाल जी बताइए इस माइनस की जगह क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सटर्नली। ये देखिए ये जो पॉइंट P है ना, ये इन दोनों के बीच में लाइज नहीं कर रहा, इस AB को प्रोड्यूस करने पर लाइज करेगा, इसका मतलब ये हुआ। तो माइनस का आंसर आने का मतलब है रेशो का कि पॉइंट इंटरनली की बजाय फिगर में AB को प्रोड्यूस करने पर बाहर की तरफ लाइज कर रहा है, तो आपका आंसर हो गया 6 रेशो 25। माइनस का साइन हटा देंगे और माइनस के साइन की जगह बताइए क्या लिखेंगे, माइनस के साइन की जगह लिखेंगे एक्सटर्नली। खूब बढ़िया क्वेश्चन निकल कर आया, बच्चे सोचते हैं के का आंसर माइनस में गलत आ रहा है, गलत नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है, उसको आपको अच्छे से डिफाइन करना है। चलिए गुड क्वेश्चन, आगे चलते हैं आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 3। विक्रम की एज 4 टाइम्स है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू सन्स, लेट विक्रम प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स एंड कितने सन है, 2 सन है, तो सम ऑफ एज ऑफ टू सन्स, दो सन्स के एजिस का सम क्वेश्चन में है कितना, वाई ईयर्स ठीक है, वाई ये एक्स ईयर्स और ये वाई ईयर्स। तो केस फर्स्ट,
अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, विक्रम की एज दोनों बच्चों की एजेस के सम का 4 times है, तो विक्रम की एज इज मने इक्वल 4 times दोनों बच्चों की एजेस के सम का 4 times, तो एक्स इक्वल्स क्या हो गया 4y, ये पहली इक्वेशन बन गई। चलिए केस सेकंड पढ़ते हैं, केस सेकंड में क्या लिखा हुआ है, 6 years hence, आज से 6 साल बाद, कौन हिज एज, हिज माने विक्रम, बताओ भाई विक्रम की एज आज से 6 साल बाद क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 6, आगे लिखा हुआ है विल बी डबल, किसका डबल हो जाएगा, दोनों बच्चों की एजेस के सम का, कोई बताएगा दोनों बच्चों की एजेस का सम 6 साल बाद कितना हो जाएगा, बच्चे लिखते हैं वाई प्लस 6 जबकि आएगा वाई प्लस 12, बताइए ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, दोनों बच्चों की एजेस का सम y प्लस 12 क्यों किया, क्योंकि अगर एक बच्चे में 6 साल बढ़ेंगे तो दो बच्चों में कितने साल बढ़ेंगे 12 साल, 6 plus 6 = 12, अगर तीन बच्चे होते 18 प्लस करते, इसी तरह से बच्चों की संख्या है 2, तो 2 का मतलब 6 साल बाद दो बच्चे y प्लस 12 हो जाएंगे। चलिए x की जगह क्या पुट करें, x की जगह पुट कर देते हैं 4y प्लस 6, अंदर हो गया 2y प्लस 24, 2y इधर आकर माइनस हो गया और ये 6 इधर आकर माइनस हो गया और y की वैल्यू 9 आ गई, पुट इन इक्वेशन वन, तो बताइए x का आंसर आ गया 4 × 9, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास 36 आ गई, तो मैं स्टेटमेंट दूंगा सो प्रेजेंट एज ऑफ विक्रम, विक्रम की प्रेजेंट एज हो गई इस समय 36 ईयर्स। यही बच्चे गलती करते हैं, ये जहां मैं रेड डॉट लगा रहा हूं, ये देखिए रेड साइन लगा रहा हूं, यहां बच्चे गलती करते हैं, विक्रम दोनों बच्चों की एज इसका 4 times है, लेकिन 6 साल बाद विक्रम की एज 6 साल बढ़ गई और 6 साल बाद दोनों बच्चों की एज में 12 साल प्लस होंगे, क्योंकि एक बच्चे की एज में 6 प्लस होंगे तो 2 में 12 प्लस होंगे और ट्वाइस, तो ठीक है फिर एक्स की वैल्यू पुट कर सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। चलिए यहीं पर करते हैं आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले तो टेबल बनाते हैं, हाइट दे रखी है और आपसे मॉडल हाइट पूछ रहा है, मॉडल हाइट का मतलब मोड निकालना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाइट दे रखी है सेंटीमीटर में, क्या लिखा हुआ है अबव 30, अबव 40, अबव 50, अबव 60, अबव 70 और अबव 80, और यहां पर आपके सामने क्वेश्चन में लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स। चलिए प्लांट्स बताइए कितने हैं अबव 30 में, 34, 30 और 27 और 19 और 8 और 2। चलिए सबसे पहले तो टेबल बनाते हैं, जब हमें टेबल ही नहीं पता होगी तो हम वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। अब ये जो अबव बिलो दे रखा ना, इसके साथ ये सीएफ है, पहले हमें एफ निकालना पड़ेगा, तो हेडिंग डालते हैं क्लास इंटरवल, 30 से अबव यानी कि 30 से 40, 40 से अबव का मतलब हुआ 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से कितना 90, और फ्रीक्वेंसी हो गई। अब देखिए कैसे निकालते हैं, ये बिलो वाला केस नहीं है, ये अबव वाला केस है, अबव वाले केस में क्या करते हैं हर ऊपर से नीचे वाले नंबर को माइनस करते हैं, तो चलिए 34 में से 30 माइनस करिए 4, 30 में से 27 गया 3, 27 में से अगर आप 19 माइनस करें तो 8, 19 में से अगर आप 8 माइनस करें तो 11 और 8 में से 2 माइनस करें तो 6 और नीचे का 2 ऐसा का ऐसा लिखते हैं। ये देखिए कोई भी नया कॉलम कभी भी मॉड निकालने में बनता नहीं है, मॉडल हाइट मोड को ही बोलते हैं, कोई उसने मॉडल क्लास नहीं पूछा गया मॉडल क्लास निकाल कर आ जाए, मॉडल हाइट मीन्स मोड ही निकालना है। तो मैंने अबव वाला पहले क्लास इंटरवल बनाया और अबव का केस है तो ये सीएफ दिया हुआ है, तो हर ऊपर से नीचे वाले को माइनस करते गए और पहला नंबर आखिरी का नीचे का सेम लिखा। चलिए बताइए इसमें सबसे बड़ी हाइट का नाम क्या है, 11, तो ये हुआ F1,
इससे पहले वाला हुआ F0, इसके बाद वाला हुआ F2, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला क्लास इंटर हुआ 6670। ठीक है, तो यहां मैं अब आपके सामने लिख रहा हूं, सिंस F1 की वैल्यू 11 है तो लिखेंगे सो मॉडल क्लास, बताइए भैया मॉडल क्लास क्या होगा 60 से 70, इसी के बीच में आपका आंसर आएगा। कौन बताएगा लोअर लिमिट कितनी हो गई 60, इनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया 10, और F1 से ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई F0, और F1 के बाद वाली वैल्यू क्या हो गई F2। लिखते हैं फॉर्मूला मोड का, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 और मल्टीप्लाई H। L की वैल्यू 60 प्लस F1 का आंसर 11, F0 का आंसर 8, 2 मल्टीप्लाई 11 माइनस 8 और F2 की वैल्यू है 6, ब्रैकेट 1 और मल्टीप्लाई H का आंसर 10। चलिए माइनस करते हैं 322 माइनस 14 और इंटू 10, ठीक है, तो 60 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 और ये बच गया 8, ये हो गया 24 जा और ये हो गया 25 जा, तो कितना आ गया 60 प्लस 15 अपॉन 4। अब 15 को बीच में लिखते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 12 बचा 3 लगाई 0, 4 7 जा 28, 2 पॉइंट लगाकर लगाई 0 और 4 5 जा, तो ये आ गया हमारे पास, यहां आएगा पॉइंट सॉरी, ठीक है, तो ये हो गया 60 प्लस कितना 3.75, हमारा आंसर आ गया 63.75 और हाइट की जो यूनिट आपको क्वेश्चन में दे रखी है सेंटीमीटर, देख लीजिए आपका आंसर 60 और 70 के बीच में ही आया, तो मॉडल हाइट हमेशा मॉडल क्लास के बीच में ही आती है, ठीक, तो आंसर है 63.75 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आया रहता है, इसमें हमें एक्स और वाई का आंसर निकालना है, देखिए, और प्लस का 511 इक्वल 0, 330x और माइनस का 149y और माइनस का 32 इक्वल 0, ठीक, क्या करेंगे एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और एक बार इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मैं दो एक बार इस इक्वेशन को अभी उतारेंगे, तो सबसे पहले मैं इन दोनों को लिखकर हेडिंग लिख रहा हूं ऐड, चलो 9 का 9 4 और 3 7 3 और 1 4, माइनस माइनस प्लस होता है, यहां पर भी 479 आएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का आएगा और ये बच गया 479, अगर आप 479 कॉमन ले लें तो ये बच गया एक्स माइनस सॉरी यहां पर वाई रह गया, एक्स माइनस वाई और प्लस का 1 और इक्वल 0, इस 479 को भी आप 0 के नीचे अगर ले आए तो यहां पर 0 हो गया, ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई 1 हो गई, ठीक है, या 3 मान लीजिए क्योंकि 1 और 2 तो आपके पास ये वाली इक्वेशन थी, इनके नंबर आपने 1 और 2 ले लिया, इनको ऐड किया और ये थर्ड इक्वेशन तैयार हो गई। आइए अब इन दोनों इक्वेशन को फिर से उतारते हैं और अब की बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 149x 330y प्लस का 511 इक्वल 0, 330x माइनस का 149y माइनस का 32 इक्वल 0, माइनस प्लस प्लस ये कट गया और 10 में से 9 गया 1 और माइनस के आएंगे और 12 में से 4 गए, कितने बच गए 8 और ये बच गया 181, देख लीजिए कुछ गलत तो नहीं हो रहा, ठीक है, और माइनस का चलिए यहां पर भी आएगा माइनस का 181y और यहां पर आएगा 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 5 और इक्वल क्या 0, माइनस का 181 कॉमन ले लेते हैं, अंदर का साइन पलट गया और ये माइनस का, अब देखिए 181 में 543 कॉमन लेंगे तो शायद 3 बचेगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए
ठीक है, इस माइनस 181 को नीचे ले आइए, x प्लस वाई माइनस का 3 इक्वल 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब क्या करेंगे, एड इक्वेशन 3 एंड 4, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को ऐड करेंगे, x माइनस वाई प्लस का 1 इक्वल 0, एक्स प्लस वाई माइनस का 3 इक्वल 0। अब बताइए ऐड करने में क्या करना पड़ेगा, देखो y से y कट गया, बताओ क्या आंसर आ गया, 2x और 3 और 1 माइनस का 2 इक्वल 0, क्योंकि माइनस के 3 है, ये 2 उधर चला गया, x का आंसर 1 आ गया। इसे हमने थर्ड इक्वेशन में पुट करना है, तो x की वैल्यू 1 पुट की जा रही है, और ये देखिए ये हो गया 2 इक्वल y, तो x का आंसर हो गया 1 और y का आंसर हो गया 2, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड, एक बार सब्ट्रैक्ट बहुत ध्यान से, और उसके बाद जो दो इक्वेशन बनी उनको आपस में बैलेंस करके सॉल्व द आंसर। चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक दिन पहले भी ये बच्चों ने पूछा, कुछ बच्चों ने स्कूल में भी पूछा ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है, माइनस 4 इज द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इक्वल 0 एंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0 हैव कैसे रूट्स, इक्वल रूट्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। चलिए अगर माइनस 4 इस इक्वेशन का एक रूट है, माइनस 4 अगर इस इक्वेशन का एक रूट है, तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस का 4 पुट करेंगे। ये देखिए जहां जहां एक्स लिखा हुआ है माइनस 4 पुट कर दिया, क्यों, क्योंकि जब कोई किसी का रूट होगा तो वो उस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाइड कराएगा, इसलिए एक्स की जगह माइनस 4। ये हो गया 16 माइनस 4p माइनस 4 इक्वल 0, ये हो गया 12 इक्वल 4p, 16 में से 4 गया 12 और ये माइनस का 4p इधर आ गया, बताइए p की वैल्यू क्या आ गई, 3। देयरफोर इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0, एक्स स्क्वायर प्लस बताइए p की जगह क्या लिखा जाए, 3x। ठीक है, अब बच्चे क्या गलती करते हैं जानते हो, जहां जहां p है उसकी जगह तो 3 लिख देंगे, और जहां x है ना उसकी जगह माइनस 4 लिख देंगे और q का आंसर निकाल देंगे। भाई माइनस 4 पहली वाली इक्वेशन का रूट है, दूसरी वाली इक्वेशन का रूट नहीं है, दूसरी वाली इक्वेशन के तो रूट्स इक्वल दे रखे हैं, तो इसको कंपैरिजन करते हैं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। कौन बताएगा, ए की वैल्यू हो गई 1, बी का आंसर हो गया 3, सी की वैल्यू हो गई क्यू। अब क्या लिखेंगे, सिंस इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, जो इक्वेशन के रूट्स हैं वो इक्वल है, तो बताइए डी किसके इक्वल होगा, 0 के, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होगा 0 के, ये हो गया 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू क्यू इक्वल 0, ये हो गया 9 माइनस 4 क्यू इक्वल 0, 9 इक्वल 4 क्यू, तो आंसर आ गया क्यू का 9/4, और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए p की वैल्यू 3 आ गई और d 0 के इक्वल क्यों रखा, क्योंकि सेकंड वाली इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी किसी इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो फॉर्मूले में डिस्क्रिमिनेंट को हमेशा 0 के इक्वल रखा जाता है। वैल्यू पुट करी ठीक ठीक, q का आंसर आ गया 9/4। तो बड़े इंपॉर्टेंट हमने 6 क्वेश्चन किए जो बोर्ड के एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, इसलिए आप इन सब क्वेश्चंस का अगर हमारे साथ रिवीजन करते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके ही घड़ा भरता है, थोड़ा थोड़ा करके ही आपका दिमाग भरता रहेगा, और आपको फिर एग्जाम के दिन ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, कल और अच्छे बोर्ड के नए क्वेश्चंस के साथ आपके साथ मिलेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप इन सबका रिवीजन जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।